फिल्मी दुनिया में ढेरों ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से कहीं ज्यादा अपने लुक और पर्सनैलिटी की वजह से ज्यादा पहचाने जाते हैं। ऐसे एक्टर किसी भी रोल में नजर आए अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। ऐसे ही एक एक्टर थे इंदर कुमार, जो कभी लीड रोल तो कभी सपोर्टिंग रोल में नजर आए, जिन्हें दर्शकों ने हर बार पसंद किया था। लेकिन एक हादसे के कारण उनकी रील और रियल लाइफ दोनों खराब हो गई। हालांकि इससे उबर कर उन्होंने वापसी भी की, लेकिन कुछ ही सालों बाद उनकी मौत हो गई। क्या था वो हादसा जिसने इंदर कुमार के फिल्मी करियर को बर्बाद कर दिया, और कैसे हुई उनकी मौत? आज की इस वीडियो में हम इंदर कुमार के करियर और जीवन से जुड़ी इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। 26 अगस्त 1973 को राजस्थान के जयपुर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे इंदर कुमार का पूरा नाम इंदर कुमार सर्राफ था। बाद में इंदर कुमार के परिवार के जयपुर से मुंबई शिफ्ट हो जाने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल से पूरी हुई। बड़े होने पर इंदर फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। ऐसे में उन्हें फिल्म प्रचारक राजू कारिया का साथ मिला। बतौर मेंटर उन्होंने इंदर को उनके करियर के शुरुआती दिनों में फिल्म निर्माताओं से मिलवाया और काम दिलाने में मदद की। इंदर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत साल 1996 में आई फिल्म मासूम से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट आयशा जुल्का थी, जो उसी जमाने की एक चर्चित एक्ट्रेस हुआ करती थी। हालांकि इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन इस दौर में सारे खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि किसी नए एक्टर का बतौर नायक अपनी जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इंदर ने शुरुआती कुछ फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो थोड़े हताश भी हो गए। इसी दौरान उनकी दोस्ती सलमान खान से हुई, जो खुद कभी इस दौर से गुजर चुके थे। उन्होंने इंदर को वही सलाह दी जिस पर उन्होंने खुद कभी अमल किया था। उन्होंने इंदर से कहा, तू बॉडी बना और कम बैक कर। सलमान के सपोर्ट से इंदर ने वर्कआउट कर अपने आप को तैयार किया और फिल्मों में फिर से वापसी की, जिसके बाद इंदर सलमान के साथ कई फिल्मों में तो दिखे ही, साथ ही साथ और भी कई फिल्मों में नजर आए। इस दौरान इंदर घूंघट, तुमको ना भूल पाएंगे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, गजगामिनी, कहीं प्यार ना हो जाए, कुंवारा, दंड नायक, माँ तुझे सलाम और हथियार जैसी तमाम फिल्मों में छोटे बड़े हर तरह के रोल्स में एक्टिंग करते दिखे। हालांकि अभी भी इंदर को अपने करियर से जैसी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते हुए इंदर ने टेलीविजन का रुख किया और साल 2001 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पॉपुलर म्यूजिकल शो रंगोली के होस्ट बने, जिसके बाद वे स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर के रोल में नजर आए। दोस्तों, टेलीविजन पर अच्छी शुरुआत और चुनिंदा फिल्मों में काम करते हुए इंदर की एक्टिंग की गाड़ी पटरी पर लौट रही थी कि तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। दरअसल साल 2002 में आई डायरेक्टर पार्थो घोष की फिल्म मसीहा के लिए इंदर को एक खतरनाक स्टंट करना था, जो हेलीकॉप्टर पर शूट किया जा रहा था। लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान की तरफ बढ़ा, इंदर हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गए। इस हादसे में इंदर को गंभीर चोटें आईं। उन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 3 साल तक बेड रेस्ट के लिए कह दिया। यहां तक कि हादसे के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, अब इसकी भी उम्मीद कम ही है। इंदर के बॉलीवुड का सफर थम सा गया और उन्हें फिल्मों से दूर होना पड़ा। हालांकि इंदर ने हार नहीं मानी और दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए। साल 2005 में उनकी बंगाली फिल्म अग्निपथ रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने आर्यन और पेइंग गेस्ट जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन इन फिल्मों के न चलने से इंदर को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद साल 2009 में आई फिल्म वांटेड में इंदर सलमान के दोस्त के रूप में नजर आए। इस फिल्म में इंदर को एक बार फिर से नोटिस तो किया गया, लेकिन अभी भी उन्हें अच्छे रोल्स और अच्छे बैनर में काम नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, साल 2005 में जब इंदर ने वापसी की थी तो उन्होंने टीवी शो CID में भी काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदर को बिग बॉस से भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इस शो में सलमान खान की वजह से हिस्सा नहीं लिया। दरअसल सलमान ने खराब सेहत की वजह से उन्हें बिग बॉस में शामिल होने से मना कर दिया था। बहरहाल, इसके बाद इंदर को फिल्म ये दूरियां में देखा गया था। इसी दौरान इंदर तेलुगु फिल्म एगम में भी नजर आए थे। दोस्तों, अपने करियर के इस बुरे दौर में इंदर ने ऐसे दिन भी देखे थे जब काम मांगने पर उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। पुरानी कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन इसी के विपरीत यह भी सच है कि जब बदकिस्मती बर्बाद करने पर उतारू हो जाए तो पैरों तले जमीन भी नहीं छोड़ती। इंदर अभी हास्य और करियर के उतार चढ़ाव से पार ही निकले थे कि उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ गया। इंदर पर ड्रग्स लेने के आरोप तो लगे ही, साथ ही साल 2014 में वे रेप के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिए गए। हालांकि कुछ ही दिनों में उन्हें जमानत दे दी गई और जिस महिला ने इंदर पर आरोप लगाया था उसे पुलिस ने उसी साल अपनी बहन के घर से 10 लाख रुपए के आभूषण लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोस्तों, इस केस ने इंदर के करियर के साथ साथ उनकी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया। एक इंटरव्यू में इंदर ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरी बेटी बीमार पड़ गई। मेरी पत्नी ने कई लोगों से बेल के लिए मदद मांगी, लेकिन उस समय किसी ने मदद नहीं की। मेरे पास घर के किराए देने के भी पैसे नहीं थे। मेरा सामान गोदाम में पड़ा था और हम हमारे दोस्त के घर पर रह रहे थे।
उन्होंने बताया कि सिर्फ एक्टर डॉली बिंद्रा ने इतने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी। उनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने भी उन्हें फोन तक नहीं किया। दोस्तों, जब इंदर की मौत हुई तब उनको यही लगा था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इंदर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इंदर ने 28 जुलाई 2017 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया, जिसके बाद लगा था कि इंदर कुमार पर चल रहे रेप केस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी ने कोर्ट में अर्जी देते हुए इस केस को बंद न करने की गुजारिश की। दरअसल इंदर कुमार की पत्नी का कहना था कि इंदर पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, सच दुनिया के सामने आना चाहिए और इंदर को इंसाफ मिलना ही चाहिए। दोस्तों, मौत के वक्त इंदर कुमार महज 44 साल के थे। हालांकि इंदर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नशे में धुत सुसाइड की बातें करते हुए दिख रहे थे। उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखे कि मुंबई में वो सिक्स पैक्स बनाकर हीरो बनने आए थे, लेकिन उनके अय्याशियों ने इनकी लाइफ खराब कर दी। साथ ही वो ये भी कहते नजर आए कि जो कोई भी उनका ये वीडियो देख रहा है वो कम से कम उनकी वाली गलती न करे, वरना कुछ दिनों बाद वह भी उसी स्थिति में होगा जहां आज वो हैं। इसके बाद वह वीडियो में रोते हुए और अपने माता पिता से माफी मांगते हुए भी नजर आए। हालांकि जल्द ही अभी खबर आ गई कि यह वीडियो उनका रियल वीडियो नहीं है बल्कि किसी फिल्म का है। बाद में इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो की सच्चाई को बताया था। उन्होंने सुसाइड की बात को नकारते हुए कहा कि यह उनकी एक अपकमिंग फिल्म का सीन है, जिसे उन्होंने मौत से कुछ समय पहले ही शूट किया था। पल्लवी से जब इंदर के सुसाइड करने के सवाल को पूछा गया तो पल्लवी ने कहा, मसीहा फिल्म जिसमें सुनील शेट्टी भी थे, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह काफी ऊंचाई से गिरे थे, जिसके कारण उन्हें 2 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ा था और उसने हार नहीं मानी। अगर सुसाइड करना होता तो वह तभी कर लेता जब उसे फिल्मों के साइनिंग अमाउंट तक वापस करने पड़े थे और उसकी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदर ने मौत के करीब 24 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर अपना लास्ट मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी फोटो के साथ लिखा था पीस। इंदर की मौत के बाद इस मैसेज को देखकर सभी शॉक्ड रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इंदर कुमार को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो गया था। दोस्तों, जिस वर्ष इंदर कुमार की मौत हुई उस वर्ष उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें एक मराठी फिल्म भी थी। इंदर कुमार की मौत के अगले कुछ सालों तक उनकी फिल्में आती रही, जिसमें साल 2020 में आई फिल्म इट्स माई लाइफ उनकी आखिरी फिल्म थी। इंदर कुमार की 3 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी 2003 में उनके गुरु राजू कारिया की बेटी सोनल कारिया के साथ हुई थी, लेकिन वह शादी कामयाब ना हो सकी और 5 महीने बाद ही वे अलग हो गए। हालांकि जिस समय वे अलग हुए उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम खुशी है। साल 2009 में इंदर ने कमलजीत कौर से शादी की, लेकिन यह शादी भी टिक नहीं सकी और 2 महीने के भीतर ही दोनों अलग हो गए। बाद में साल 2013 में उन्होंने पल्लवी सर्राफ से शादी की, जो इंदर के आखिरी दिनों तक तमाम विवादों के बाद भी उनके सपोर्ट में खड़ी रही। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम भावना है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।